24 अगस्त 2001 की रात को फुली लेडेड एयरबस 330 जिसमें कि 306 लोग सवार थे उसके ऊपर रैन आउट ऑफ फ्यूल मिडवे ओवर द अटलांटिक ओशन। How can a state-of-the-art computerized airline suffer such a catastrophic failure? Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. Well, we're now 30,000 feet at the rate of descent of 2,000 feet per minute. We have to ditch in the water. And did you put on your life jackets right now? आज के शो में हम देखेंगे कि क्या हुआ एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 को। This is it. This is it. It's over. You're just gonna die in the next 5 to 10 minutes. And the speed's increasing. 203 knots now. It's way too fast. Everybody, I need you to brace. Oh my God! नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं आपका वही चिर परिचित लोकप्रिय शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स, आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और ये शो ऐसा है जिसमें हम चर्चा करते हैं धरती पे घटित अलग अलग समय पे अलग अलग दुर्घटनाओं की। और आज का शो होगा 24 अगस्त 2001 की एक घटना, जबकि एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 में बिल्कुल ही फ्यूल खत्म हो गया। 23 अगस्त 2001 की रात टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनाडा बिजी चल रहा है। एयर ट्रांजिट जो है एक चार्टर एयरलाइन है और वो कनाडा की काफी लोकप्रिय है और कनाडा में काफी बड़ी एयरलाइन कैरियर कंपनी बन गई है। गर्मी का महीना चल रहा है और इस समय जो है बिजनेस ट्रेवलर्स कम होते हैं और छुट्टी का माहौल ज्यादा होता है। और एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS-236 जो है लिस्बन पोर्टुगल जा रही है। ज्यादातर पैसेंजर्स जो हैं इस फ्लाइट में वो हैं कैनेडियन जो कि यूरोप घूमने जा रहे हैं, या वो हैं पोर्चुगीज इमिग्रेंट्स जो कि वापस पोर्टुगल जा रहे हैं अपने घर। ये जो प्लेन है इट इज अ ट्विन इंजन एयरबस A330, यानी कि इस प्लेन में दो इंजन है और जो कि उड़ा रहे हैं एक यंग को पायलट है डर्क डिएगो और उनके साथ हैं एक्सपीरियंस्ड कैप्टन रॉबर्ट पीशे। कैप्टन रॉबर्ट पीशे इज समवट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। कैप्टन पीशे, from the moment he gets his wing, he gets to learn how to fly in the north of the province of Quebec, where the conditions occasionally are very severe. इस प्लेन का जो फ्लाइट डेक है दोस्तों वो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न है। कितने ही कंप्यूटर लगे हैं प्लेन में जो कि कनेक्टेड हैं टू ओवर 100 सेंसर्स जो कि प्लेन में लगे हैं अलग अलग जगह पे, और वो मॉनिटर करते रहते हैं द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द प्लेन। डिपार्चर से पहले कंप्यूटर ने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया कि इस एयरबस में कोई प्रॉब्लम है। 236 heavy, follow A320 Air Canada. Turn left on Romeo and hold short on 24 right.
Roger, follow A320 Air Canada, left on Romeo and hold short of 24 right. इस फ्लाइट में 7 क्रू हैं और पैसेंजर्स और क्रू को मिला के टोटल लोग हो जाते हैं 306, जो कि एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS236 पे सवार है। No, we were married for 4 days, wasn't it? Four days. So we had planned to go to Portugal for our honeymoon, and we had booked this flight on Air Transat. And rather quickly, because we hadn't really planned what we were going to do very carefully. So this was the last flight left. Well, boarded on this flight to go on a 2.5 week vacation with a friend of mine. Obviously, he was very excited, spending 2.5 weeks on the coast of Portugal. Very excited feeling. Transat 236 heavy, cleared for takeoff. 240 at 8, cleared for takeoff, 24 right, Transat 236 heavy. रात के 8:20 पे वो फ्लाइट एयरबस A330 और जिसमें कि 306 पैसेंजर्स और क्रू सवार हैं, रात के 8:20 पे एयरबस 330 जिसमें कि 47 टन्स ऑफ फ्यूल है, वो चलती है टोरंटो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिस्बन पोर्चुगल के लिए। V1, rotate. वेदर फोरकास्ट इस ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट के लिए बहुत अच्छी है। फ्लाइट डेक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक स्मॉल एडजस्टमेंट जो कि इस प्लेन के रूट में किया गया है टू अवॉइड कंजेशन। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इस फ्लाइट को डाइवर्ट करते हैं 60 मील्स साउथ, जो कि उनकी ओरिजिनल रूट था उससे। ये एक बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट है, लेकिन ये बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। द पैसेंजर सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग फ्लाइट। The reason for our trip to Portugal was a family trip. We were going to a wedding. Otherwise, we would not have gone this year. So instead of just going for 4 days for a wedding, we decided to stay for 2 weeks and throw the wedding in as a kind of family perk and see everybody. Everything appeared quite normal, and in fact, I had traveled on Air Transat previously and found it not to be very good, and was surprised by the quality of the flight. That, you know, it was on time, the plane was newer, and we thought generally it was much better than we had expected it would be. We're getting to our next checkpoint. Every 30 minutes on this Atlantic crossing, the crew jo hai, वो अपनी पोजीशन और फ्यूल कंजम्पशन चेक करते रहते हैं एज अगेंस्ट द फ्लाइट प्लान। 2 टन्स ऑन द राइट, 11.2 टन्स ऑन द लेफ्ट। कंप्यूटर लगे हुए हैं इस प्लेन में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैनुअली चेक करनी पड़ती है, और उनमें से एक है फ्यूल कंजम्पशन ऑन द फ्लाइट। By calculating कितना fuel tanks में बच गया है as against the कितने fuel से वो initially start किए थे अपनी journey और कितना दूरी वो cover कर चुके हैं, pilots जो है calculate करते रहते हैं कि fuel level क्या है और fuel consumption कितना हुआ है अब तक उनकी flight में। Fuel check complete, levels normal for the distance flown. पहले 5 घंटे जो कि जर्नी के थे उसमें सब कुछ नॉर्मल रहा और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लुक,
are getting a warning signal. Oil temp low and oil pressure high on number two. उसके बाद पायलट्स को एक वार्निंग सिग्नल मिलता है. Oil pressure is within normal limits on number one. Number two is slightly high. और ये वार्निंग सिग्नल था जो वो पहला सिग्नल है जो कि इसके बाद उन्हें मिलेंगे और क्राइसिस की शुरुआत होती है यहाँ से. कंप्यूटर जो उनको इंडिकेशन देता है वो ये देता है कि ऑयल टेम्परेचर इन इंजन नंबर टू जो है वो कम है लेकिन ऑयल प्रेशर इसी इंजन में हाई है. ये बहुत ही एक अनयूजुअल रीडिंग है जो कि कंप्यूटर उनको बता रहा है. इससे जो है दोनों पायलट बिल्कुल ही पजल हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं. I can't see anything here. I'll look in the F-com. Okay. A low oil temperature indication is normally indicative of bad readings, bad sensor. Oil temperatures don't decrease normally, they increase. A low oil temperature would be of no concern. The high oil pressure is a very strange indication. It's very rare. In fact, I've never actually heard of one. It's only indicative of the contamination normally of the oil with fuel. That's not something that's explained in the manuals. Call the company. और उसके बाद वो कॉन्टेक्ट करते हैं एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस क्रू को जो कि मॉन्ट्रियल में स्थित है. Transat 236 to Mirabel operations. Mirabel Transat 236. Hi. Hi, we have a little problem. We're getting the warning oil temp low and oil pressure high on the ECAM for engine number 2. There's nothing in the QRH nor the FCOM. Can you help us out? I'm looking in the ground. क्रू के पास उनके इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं था तब और पायलट्स को अब अपने आप ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी. They may have been given some advice on troubleshooting to see if that would help, but ultimately you know the pilots are up there on their own. You know they can get advice from somebody 2500 miles away, but they can't really fix their problems. क्योंकि ये जो रीडिंग्स कंप्यूटर बता रहा था ये बहुत ही अनयूजुअल थी तो इसलिए पायलट्स को लगता है कि शायद कंप्यूटर एरर हो कोई और जो है, लेकिन फिर भी वो इस स्थिति का मुआयना रखते हैं, स्थिति पे नजर रखते हैं एंड दे कंटिन्यू टू मॉनिटर द फ्यूल लेवल इन द इंजन. एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS-236 अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती रहती है. तकरीबन 20 मिनट के बाद उन्हें एक नई वार्निंग मिलती है. फ्यूल इंबैलेंस वार्निंग. Haven't seen that before. Follow our ECAM action. I have air traffic control. Airbus A330 में जो फ्यूल होता है दोस्तों वो इट इज ऑन इन द लार्ज टैंक्स विच आर ऑन द विंग्स. और अब जो है कंप्यूटर जो इंडिकेशन दे रहा है उसका ये था कि राइट हैंड साइड वाले में जो फ्यूल लेवल है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बहुत कम हो गया है. क्रू अब जो है सर्विस मैनुअल की मदद लेता है जो कि बताता है कि इस स्थिति में फ्यूल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टैंक टू द अदर थ्रू द क्रॉस फीड वाल्व. और अब क्रू ये निश्चय करते हैं, फैसला लेते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड वाले टैंक से फ्यूल ट्रांसफर करेंगे towards the right hand side वाला टैंक में. लेकिन इस क्रॉस फीड वेल्व को खोलने से पहले क्रू को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फ्यूल का इम्बेलेंस आ रहा है दोनों टैंक्स में वो किसी और सीरियस प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है, जैसे कि फ्यूल लीकेज. क्रॉस फीड वेल्व खोलने के बाद दोनों पायलट्स ने सोचा था
ki situation apne aap theek ho jayegi. Last fuel check was only 15 minutes ago and it was okay. No indication of a fuel leak. Keep going. Wing cross feed. On. On. Once you begin a cross-feeding procedure to correct a fuel imbalance, restorative action should commence quite quickly. In other words, the situation would not continue to get worse. It would either stabilize immediately and then begin to correct itself. But dono ko ye cheez nahi malum thi ki नंबर इंजन नंबर टू में बहुत ही मेजर फ्यूल लीकेज है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन. इस समय फ्लाइट TS-236 मिड अटलांटिक में है, तकरीबन 300 किलोमीटर दूर किसी जमीन से. feet की ऊंचाई पे मिड अटलांटिक में तकरीबन 300 किलोमीटर दूर किसी जमीन से एयर ट्रांसिट की फ्लाइट TS-236 is in big trouble. Engine number 2 में जबरदस्त लीकेज हो रही है जिसका कि पायलट्स को पता नहीं है. कंप्यूटर उनको सीरीज ऑफ वार्निंग सिग्नल्स दे जा रहा है लेकिन पायलट्स यही समझ रहे हैं कि वो कोई कंप्यूटर एरर है. Have you ever seen something like this before? No. Never. Doesn't make any sense. Hey, even if there is a leak, it doesn't explain the alarms on the oil system. And everything was okay at the last fuel check at 30 West. Yeah. Bet you it's a computer problem. अगर वो चाहे भी पता लगाना कि फ्यूल लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो this task is also made harder in an Airbus because of its design system. The systems monitor hundreds and hundreds of sensors, and they can be affected by such mundane things as a little bit of frost or ice on a sensor can cause it to present bad data. So it's not something that would occur on every single flight, but it's something that we're quite used to dealing with. There is no warning जो कि बता सके pilots को कि tank में जो fuel level है वो ज़्यादा जल्दी से कम हो रहा है बनस्पत की fuel consume हो रहा हो by the engine. Fuel quantity isn't rising in the tanks for the right wing. Check fuel quantity. It's very low. Hold on. तो इसलिए जो है उनको कोई warning नहीं मिलती, कोई indication नहीं मिलता pilots को शुरू के क्षणों में कि कोई ऐसा फ्यूल लीकेज भी हो रहा है कि नहीं. जब को पायलट डियागो अपना फ्यूल को कैलकुलेट करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन दिस सिचुएशन. इट्स मच लेस फ्यूल देन वी शुड हैव. इट लुक्स लाइक अ फ्यूल लीक. चेक अगेन. Diego finds a disturbing difference. According to all the gauges, all the tanks in the right wing are way below the level they should be according to the flight plan, and there's hardly anything in the other ones. What about a trim tank? There's nothing there either. Yes? Hello, first officer here. Can you come to the cockpit, please? Sure. कैप्टन पीछे को लग भी रहा था कि ये कंप्यूटर एरर है लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि एक विजुअल चेकअप किया जाए सिचुएशन का.
कि वाकई में फ्यूल लीक कर रहा है कि नहीं. कैप्टन, हाय, कैन यू एंड कैरेन टेक सम फ्लैशलाइट्स एंड गो टू द विंडोज. इफ यू कैन सी एनीथिंग ट्रेलिंग बैक फ्रॉम द विंग्स, इट लुक लाइक अ मिस्ट और स्ट्रीम, एंड रिपोर्ट बैक इमीडिएटली. ओके. Dirt, I want you to do another complete fuel check, please. विजुअल चेकअप करने के लिए अगर दिन का समय होता तो जो फ्यूल लीक कर रहा था इंजन नंबर टू से वो साफ दिखाई दे जाता, लेकिन इस रात में इन द डेड ऑफ द नाइट इवन विद द हेल्प ऑफ टॉर्च लाइट्स वो लीक देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था फॉर द क्रू. The crew evidently realized that the situation was not improving, and at that point they realized that their circumstances were becoming more serious, and I think that there were probably some discussions took place between the two pilots as to what their next course of action should be. अगर कंप्यूटर सही हैं तो जितना फ्यूल रह गया है उससे ये प्लेन कभी भी लिस्बन नहीं पहुंच सकता. अब कैप्टन पीछे को बहुत ही एक क्रूशियल डिसीजन लेना था. We've got a divert. Get onto Oceanic Control. Where's the nearest airfield? Transat 236 Heavy Santa Maria Control. Can you advise nearest airfield? We have a possible fuel problem. लेकिन सबसे करीब रनवे भी जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है, और जितना कि फ्यूल बच गया है उसके अगर कैलकुलेट करा जाए तो लजीर जो कि मिलिट्री बेस है ऑन द टाइनी आइलैंड ऑफ तजीरा इन द एजोर्स वो जो है शायद फ्लाइट वहां तक पहुंच पाए जितना कि फ्यूल बच गया है प्लेन में. Santa Maria Control, Transat 236 Heavy. Proceed 230 flight level 390 direct. 350 miles to threshold. Are you declaring an emergency? Stand by, Santa Maria Control. Not yet. It must be the computer. Transat 236 Heavy, Santa Maria Control. No assistance required yet. एयर ट्रांसिट की फ्लाइट TS-236 कंटिन्यूज टू फ्लाई साउथ फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स, और कॉकपिट में सब कुछ एकदम नॉर्मल शांत लग रहा था तब तक. कैबिन में तो सब शांत था एकदम, लेकिन कॉकपिट में जो था द फ्यूल रीडिंग्स जो है बद से बदतर होती जा रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम. Must be the computer. I've checked. There's nothing in the trim or center tank. And the gauges show only 7. अगर फ्यूल गेजेस की माने तो वो फ्यूल जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, जरूरत से ज्यादा कंज्यूम भी कर रहे थे और तेजी से भी कंज्यूम कर रहे थे. लेकिन कैप्टन अब माने या ना माने फ्यूल गेजेस को, उनको अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉन्टेक्ट करना ही पड़ा अपनी सिचुएशन के बारे में. We have to declare a fuel emergency. Transat 236 Heavy, Santa Maria Control. Santa Maria Control, Transat 236 Heavy, go ahead. Transat 236 Heavy, declaring fuel emergency. I really hope it's a computer bug, because if we land in the Azores with half a plane full of fuel, they'll crucify us. Thank you.
लेकिन सुबह 6:13 पे लेस देन वन आवर जबकि कैप्टन को पहला अलार्म मिला था तो राइट हैंड साइड का उनका इंजन एकदम बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ टोटल लैक ऑफ फ्यूल. We're losing engine number 2. I don't believe this. Okay, maximum thrust on number 1. What's going on? Yes, what's happening? Lights started flickering on and off, which I thought was kind of odd, strange. अब सिर्फ एक इंजन पे वो प्लेन जो है 39,000 फीट की ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता और उसको जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ डिसेंड करना पड़ेगा. अगले 10 मिनट तक वो एयरबस जो है एक ही इंजन पे चल रही है और पायलट्स का अभी भी मानना है कि शायद कोई कंप्यूटर एरर होगा और वो लेजर्स एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आराम से विद फ्यूल टू स्पेयर. ट्राई टू ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम सेंटर टैंक एंड ट्रिम टैंक. Transferring. Fuel quantity is reaching zero. This can't be. I'm not gonna go completely dry on this airplane. All right. We can't stay at 39,000 feet with just one engine. We'll descend to 33,000 to control our speed. 236 Villages Tower. We have lost one engine. Engine flame out. Roger, Transat 236. We can see you on primary radar. You are at 135 nautical miles from Lajes Field. We are 135 nautical miles from Lajes Field. Well, there's a whole lot of critical things go on. In addition to that, you turn on all the exterior lights so people can see you're in trouble. You have to broadcast your intentions on an emergency frequency so that other people know that you're unable to maintain your altitude. You may be descending through their altitude, so everybody else is now on the lookout for an airplane that's in distress. For the next 10 minutes, the stricken Airbus continues on its one remaining engine. The pilots still believe that the computer may be partly faulty and that they can make it to Lajes with fuel to spare. In the end, might be all right. Fuel gauge is falling fast, though. It's nearly hitting zero. लेकिन तकरीबन 130 किलोमीटर अभी भी दूर अपनी डेस्टिनेशन से राइट इंजन के कट आउट होने के सिर्फ 13 मिनट बाद ही लेफ्ट हैंड साइड वाला इंजन भी इट स्टार्ट्स टू फेल. वी आर लूजिंग नंबर 1. Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. और इस जमाने की one of the most ultra modern airline जो है जिसमें की 306 पैसेंजर और क्रू सवार है वो अब सिर्फ एक बड़ा ग्लाइडर बन गया है and it is now drifting steadily downwards towards the ocean. अब बगैर पावर के हर एक 5 किलोमीटर जो प्लेन आगे की तरफ बढ़ रहा है वो उसके में जो है तकरीबन वो 1000 फीट की ऊंचाई में वो कम होता जा रहा है और इस हिसाब से वो एजोर्स पहुंच सकते हैं. लेकिन अगर पायलट्स ने अपनी कैलकुलेशन ही गलत करी है तो शायद उनको जो है पानी के ऊपर एक फोर्स्ड लैंडिंग करनी पड़ सकती है. You could literally hear a pin drop. The exterior, there was no sound in that plane, in that cabin at all. A lot of people were praying and screaming for God. My wife was a little hysterical. My best friend was
in another world. And the plane was dead silent, except for the people who were very upset. List of functions we've lost. We have no more stabilizer. Blue and yellow hydraulic. No ADR 2 and 3. No anti-skid. No reversers. Rudder trim. Radio HF 1 and 2. With the loss of both engines, we have no electrical system. If the engines aren't running, the generators aren't running. So there's no power on the airplane. There is a small device. It's called a ram air turbine. It will deploy from underneath the fuselage near the wing fairing. And it's a small propeller that deploys out the bottom of the fuselage and it spins in the wind. And that small propeller will provide very limited electrical and hydraulic systems to run the aircraft. In other words, although it's a glider, at least it's a controllable glider. Calculate how far we can go with our glide angle, will you? Well, we're now at 30,000 feet at the rate of descent of 2,000 feet per minute. We can hang on for 14 or 15 minutes. What? I don't want to die on our honeymoon. I was just trying to calm her down, like try and reassure her that everything would be okay. Yeah, it's a very big struggle to stay calm when you're considering your own death. अब विदाउट इंजन पावर जो केबिन है वो जल्दी ही डीप्रेशराइज होने लग रहा है. Everybody, please, I need your attention. We are preparing to ditch the plane. I need you to put on your life jackets right now. Within probably, I'd say, 2 minutes, I saw flight attendants with life jackets in their hand running down the aisles. And obviously, that was a sign of fear. What was happening was the first question that popped in my mind. You know, you don't really know what to think, but people did start to panic at that point when they were told to put on life jackets. This isn't working. No, it's all right. Wait, this isn't working. Remain, please keep it calm. It's not working. My best friend was talking to his father. His father died 3 years ago. But he's talking to him because he thought for sure he was going to be joining him. And I just kept the same reiteration. Oh, it's okay. One hand on one leg, one hand on the other, both their arms clenched to mine, kind of looking at my in-laws, blinking. You know, it's okay. It's nothing. I kept thinking that if the plane did hit water, that we would survive. I was so convinced that we would survive no matter what happened to the plane that I was probably delusional. Fear just suddenly just kicked in from my toes straight up to my head. At that point, they started instructing us and giving us instructions of what to do in this procedure. Take off your shoes was one of them. Don't inflate your life jacket until we hit the water. Get into this position when we hit the water. It was a lot of, it wasn't like ifs or maybes. It was, this was gonna happen. This is the real deal. Ditching a large airliner causes severe hazards. Not sure we can make it delicious. अगर एयरबस A330 को भी ऐसे फोर्स्ड लैंडिंग करनी है पानी में तो द चांसेस ऑफ सर्वाइविंग वुड बी वेरी ब्लीक. प्रिपेयर द कैबिन. द कैबिन स्लोली डिप्रेशराइजिंग. वी नीड टू पुट आवर ऑक्सीजन मास्क ऑन. इन माय पर्सनल ओपिनियन आई डोंट थिंक दीस एयरप्लेन्स वुड मेक वेरी गुड बोट्स. टिपिकली एन एयरप्लेन विद अ लो mounted tail like this, as it enters the water, one of the first things that's going to hit the water is the tail, and it's probably going to be ripped right off, and the fuselage is probably going to open right about there. 1996 mein ek Boeing 767 jet, it ran out of fuel off the coast of East Africa, aur uske jo aakhri kshan the उन्होंने जब पानी के ऊपर लैंडिंग करने की कोशिश करी थी एक
एमेच्योर वीडियो में कैप्चर हुए थे और उसने बताया था, उस वीडियो से पता लगा था कि जब एक लार्ज एयरलाइन पानी पे कंट्रोल्ड लैंडिंग करता है तो क्या हो सकता है। जो 175 लोग उस इथियोपियन एयरवेज के जहाज पे सवार थे उसमें से सिर्फ 50 ही बच पाए थे वो हादसा। The chances of us surviving a ditching and floating for very long are not very good. और अगर एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS-236 को भी वैसा ही कोई मैन्यूवर करना है जैसे कि उस दिन इथियोपियन एयरवेज के उस जहाज ने किया था तो हो सकता है परिणाम भी उनको वैसा ही कुछ मिलता जुलता फेस करना पड़े। और अपनी डेस्टिनेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पायलट्स को अब बहुत ही डिफिकल्ट मैन्यूवर करना है, उनको अपने जहाज को अगले 15 मिनट तक किसी तरह ग्लाइड करना है जिससे कि वो एजोर्स पहुंच सके। There's very little time for any emotions at all. You're just so focused on the mission at hand. It's a life or death situation, of course, but you know, your intention is to get it there. You're not thinking about the alternatives, but you're fully focused on getting the airplane to its destination. Transat 236 Heavy to Lajes Tower. Lajes Tower receiving Transat 236 Heavy. Do you have us on radar, Transat 236? We have you on primary radar. Confirm you're at 80 miles out. Your heading is good. Transat 236 Heavy, Lajes Tower, we are trying to make the runway. Please describe runway heading and length. Lajes Tower, Transat 236 Heavy. Runway is 33 and 10,865 feet long. Airport dead ahead on your present heading. Please advise when you have it in sight. Transat 236 Heavy, we cannot see the airport. We will tell you when we can. जैसे जैसे हर क्षण बीत रहा है, हर मिनट बीत रहा है, द लॉन्ग वेट फॉर ऑल दोज ऑन बोर्ड दैट फ्लाइट TS-236 इज वेरी एगोनाइजिंग। दैट्स इट, दिस इज इट्स ओवर, इट्स गोना डाई इन द नेक्स्ट 5 टू 10 मिनट्स। आई हैड कंटेम्प्लेटेड द आइडिया दैट वी वुड डाई सर्टेनली. And kind of you can, I think in that moment, you can accept it more than you think you would accept it. I never thought I was going to die. I was in a little bit of a state of distress. I did my best not to show it, to try to keep the cool, calm, and collected. But there was certain times where I wasn't sure if we would make it. The torture of the whole fact that you're going to die, which I totally thought I was going to, is worse to me than dying. If I'm going to die, just kill me now. Just get a gun and shoot me, or just let this plane go down and nosedive into the ocean and then just die instantly. Dusri taraf zameen par, all the emergency services are now preparing for the crash landing of this great airliner. सिर्फ 20 किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन से क्रू जो है सबसे बड़ा प्रोसीजर शुरू करता है अपने ऑपरेशन का, टू लैंड दिस एयरलाइन ऑन द रनवे इन वन पीस। जी हाँ दोस्तों, उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि किसी तरह इस बड़े से जहाज को जमीन पर उतारना, और वो भी सिर्फ एक पीस में। Heavy to Lajes Tower, do you have our distance from the threshold now and weather, please? Roger, Transat 236 Heavy. You are 8 miles out according to primary radar. Airspeed 280 knots according to our readings. Visibility unlimited. You should have the airport in sight.
Negative, Lajes Tower. Until now, we cannot see the runway. अब जो है गलती के लिए कोई जगह नहीं है और पावर के बिना पायलट्स के पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर वो इस चांस को मिस कर देते हैं या रनवे को ओवरशूट कर देते हैं किसी तरह तो अंजाम बहुत बुरा होगा। I got it. Just to the right. Minimum RAT speed is 140 knots. Maximum speed for gravity gear extension, 200 knots. I'm not lowering the gear until the last minute, okay? Okay. The crew now struggle to lose height and speed for landing. Roger, Lajes. 6 nautical miles. Let's open the slats. It'll slow us down a bit. Slats out and locked. लेकिन जैसे ही वो रनवे को अप्रोच करते हैं उनकी स्पीड बिकम्स फास्ट, डेंजरसली फास्ट, और वो एट टू फास्ट दे कैन सिंपली रोल ऑफ एट द एंड ऑफ द रनवे। Lower the gear. Hold on. Speed is about 200. All right. I stabilized the speed. Can you give me a landing speed, please? No engine, no flaps. Ideal approach speed is 170 knots. We're too fast. Yes. But the runway is very long. Captain Pichet now performs a difficult series of swerving maneuvers to slow the plane down. The plane was almost on a 45-degree angle. I thought it was just gonna flip over and just nosedive straight down. The plane was circling around the island to slow down. So then we saw land and then we saw water. And when I saw water again, it really struck me that, you know, our chance for survival had maybe was gone. The runway is long. Yeah, sure, but at the end is a 400-foot cliff. If we don't stop in enough time, we're toast. We're dead. Crew line up the giant Airbus for its final approach. Landing gear down and locked. 3 green. No flaps. Only the emergency brakes. No spoilers, no reverse thrust. 4,000 feet, 195 knots. Two thousand feet, 200 knots. Alert the cabin. Cabin crew, 1 minute to landing. Hang on. Vertical speed at 3,000 feet per minute. We're going way too fast. And the speed's increasing, 203 knots now. Way too fast. 1,000 feet, 201 knots. I'm trying to get the nose up. We'll ride fast. लेकिन अभी भी क्रू के सामने एक प्रॉब्लम है कि अगर वो किसी तरह इस एयरबस को रनवे पे उतार भी देते हैं तो विदाउट इंजन, जो कि नॉर्मल ब्रेकिंग प्रोसीजर होंगे, दैट दे वुड बी सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड. Or the problems of this flight TS-236 are still not over. Pilots ko apna plane ab bagair power ke utarna hai aur kisi na kisi tarah usko rokna hai.
flight hits the runway with a great speed. The tires have blown. Captain Pichet kisi tarah try karte hain to keep the nose down. आठों टायर के बर्स्ट होने के बाद के फटने के बाद प्लेन फाइनली बीच रनवे में रुक जाता है. Told you we'd make it. I just wanted to get out of this airplane quickly. I jumped, I hit the ground hard. I don't think my rear end actually even touched the chute at all. I didn't slide down the slide. I ran down it. And they're just, get out, get out, get out. So you're just running out of this aircraft. What in God's name just happened? I fell down to the ground, literally, and I started crying. I mean, once you're off the plane and you're evacuated, you want to know what happened. Piche aur Diego ne apne plane ko without any power itni dur tak udaya tha ki jitna ki abhi tak history mein kisi ne bhi nahi udaya tha jahaj ko. और जैसे जैसे उनकी इस कारनामे की खबर सारी दुनिया में फैली, so they became reluctant heroes. वो ना चाहते हुए भी हीरो बन गए थे दुनिया की नजर में. You don't have time really to think about anything else than taking care of the safety of your passenger. You know, that's your main goal. And since we didn't have any engine, the other main goal was to make the landing safely. So at that time, I guess the experience came in, you know, with the help of my colleague. That's why we made a successful landing. You train for the worst, but you never know how you'll deal with situations like this. And reflecting afterwards, I feel we dealt in the most professional and complete manner we could. A feeling of being grateful to see all the passengers were okay. You know, something like this happened, you never know what is going to happen, really. I mean, you start not to believe it. I mean, makes no sense that a big jet with two engines has no more power with 300 people on board, you know. Chahe public ne khub shabashi di ho sabko, lekin phir bhi sawal to abhi bhi samne the ki kyun ek ultra modern airliner, it ran out of fuel aur आखिर क्या हुआ था उस एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS-236 के साथ जिसमें कि फ्यूल खत्म हो जाता है. और इस हादसे में इंक्वायरी जल्दी ही शुरू हो जाती है बाय द पोर्चुगीज कैनेडियन एंड फ्रेंच अथॉरिटीज के द्वारा. इंक्वायरी शुरू हो जाती है इस मामले में कि आखिर फ्लाइट को क्या हुआ था उस रात. एकदम इनिशियल चेक जब किया गया तो ये पता लगा कि दोनों जो टैंक्स हैं वो वाकई में ही खाली थे. लेकिन तकरीबन 17 टन फ्यूल इतनी जल्दी खोने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्यूल लीकेज हो रही थी. लेकिन कहां पे हो रही थी अब ये अथॉरिटीज को ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी था. इंजीनियर्स ने अपनी जांच पड़ताल शुरू करी रिगार्डिंग द फ्यूल सिस्टम. उन्होंने फ्यूल टैंक्स और फ्यूल पाइप्स का मुआयना करना शुरू किया और जल्दी ही उन्हें उनका जवाब मिला. राइट साइड के जो इंजन नंबर 2 था उसके करीब. इन दिस पर्टिकुलर केस यू हैड अ हाइड्रोलिक tube that's relatively small by comparison to the larger fuel tube. And the hydraulic tube, due possibly to pulsations in the hydraulic system, were abrading
against the larger tube. And eventually the larger tube had a leak in it, and the leak, or not the leak itself, but the hole eventually possibly led into a fracture of the tube, allowing this massive fuel flow outside of the engine. अब इन्वेस्टिगेटर्स ने एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया और तब ये बात सामने आई कि 17 अगस्त यानी कि इस हादसे से 5-6 दिन पहले ही जो है इंजीनियर्स ने राइट हैंड साइड का जो इंजन नंबर 2 था उसको रिमूव करके एक रिप्लेसमेंट यूनिट लगाया था जो कि रोल्स रॉयस ने भेजा था. But when the investigators analyzed the repair logs for the engine, they found a shocking mistake. It was not a mistake of the design, rather it was a mistake of maintenance, improper maintenance. Rolls-Royce ने जो engine provide किया था, उसके साथ उन्होंने hydraulic pump assembly साथ में send नहीं करी थी. और जो एयर ट्रांजिट के मैकेनिक थे उन्होंने ये पार्ट एक पुराने इंजन से निकाल के इस एयरबस में लगा दिया था. लेकिन एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, वो जो पाइप्स थी वो आपस में फिट नहीं हो रही थी सही तरीके से, और वो रिपेयर के 5 दिन तक आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाती रही. और फाइनली उस रात अटलांटिक ओशन के बीच में एक पाइप जो थी वो टूट गई. The engine was delivered minus these two tubes and a bracket. That the purpose of that bracket was to maintain adequate clearance. So if they took the bracket off the old engine and put it on the new engine, is that the pipes would be locked together so that they could possibly abrade. So the mechanics, now I can't fault them, but they are not given specific instructions to verify the 3 millimeter clearance. और जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने एयर ट्रांजिट के मैकेनिक्स को की पूछताछ शुरू करी तो उन्हें और भी डिस्टर्बिंग सबूत मिले मेल प्रैक्टिसेस के. जो चीफ मैकेनिक थे उन्होंने बताया भी कि उनको काफी चिंता थी, वो चिंतित थे इस बारे में, और उन्होंने ये मामला अपने सुपरवाइजर से भी नजर में डाला था. ही हैड टोल्ड हिज सुपीरियर्स रिगार्डिंग दिस मिसमैच ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम. लेकिन ऊपर से यही बताया गया कि रिपेयर पार्ट्स और रिप्लेसमेंट पार्ट्स में आने में टाइम लग सकता है और इतने दिन तक जहाज वहीं खड़ा रहेगा, तो इसलिए जो है वही लगा के उसको ओके करिए. जो पार्ट लगाया गया था वो ओरिजिनल पार्ट से सिर्फ कुछ मिलीमीटर का ही फर्क था, लेकिन इस फर्क से कितनी जाने जा सकती थी उस हादसे में. इस हादसे के कुछ दिन के बाद ही एयर ट्रांजिट ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती थी रिगार्डिंग मेंटेनेंस. We have to realize that there was a small mistake made in terms of changing the pump. We installed it, but then some pipes, so to speak, were needed to be connected to the pump, and there was a mismatch. The immediate consequences for Air Transat in that event was that they got to pay a fine of $250,000, which was the highest ever in Canada, for an error that could have been prevented. How someone that is supposed to be qualified in their job can put the wrong part onto an engine and risk 300 people's lives is beyond me. This incident is a very strong reminder that regulation is important and safety is important, and lives will be lost in the absence of that. And they're real lives. It's not just, you know, this imaginary figure in your head of 300 people. It's real people who suffer and continue to suffer as a result. If it hadn't have been us suffering, it would have been our families. लेकिन ये दोस्तों कहानी का अंत नहीं था. इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया ऑन द कॉकपिट, कि
क्या रोल प्ले किया था क्रू ने उस 24 अगस्त की रात को? क्या वो कुछ और कर सकते थे जिससे कि ये हादसा अवॉइड किया जा सकता था इन द फर्स्ट प्लेस? कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी थे कि आखिर फ्लाइट डेक पे क्या हुआ था। अब जो था इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान कॉकपिट पे था। एयर ट्रांजिट की उस फ्लाइट TS-236 में फॉल्टी मेंटेनेंस के जरिए एक गलत पुर्जा लग गया था जिससे कि ये नियर हादसा हुआ और एयर ट्रांजिट ने अपनी गलती पब्लिकली मानी और उनको बहुत ही जबरदस्त फाइन भी हुआ था। लेकिन अब इन्वेस्टिगेटर्स जानने का कोशिश कर रहे थे कि क्रू का आखिर में क्या पार्ट था, क्रू ने क्या रोल प्ले किया इस हादसे में। विंग क्रॉस फीड ऑन ऑन। जब इस क्रू ने क्रॉस फीड वाल्व को ओपन किया था और उन्होंने ट्रांसफर करने की शुरुआत की थी फ्यूल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टैंक टू द राइट हैंड साइड टैंक, तब उन्होंने सिर्फ आधे घंटे में तकरीबन 17 टन फ्यूल खो दिया था इसी ट्रांसफर में। और उन्होंने तभी भी दे डिड नॉट रियलाइज कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिससे कि वो इस ट्रांसफर को रोक सके, वो इस वॉल्व को बंद कर सके। Mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. और इस इंसिडेंट के कितने ही दिन बाद रॉबर्ट पिएशे और डर डिएगो को इंक्वायरी के लिए सामने बुलाया गया इंक्वायरी कमिटी के लिए और उनसे काफी सवाल जवाब किए गए रिगार्डिंग देयर एक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट। Oil temp low and oil pressure high on number 2. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो पायलट्स को शुरुआत में वार्निंग मिली थी, सबसे पहली वार्निंग कि उनका ऑयल टेम्परेचर कम है और ऑयल प्रेशर ज्यादा है इन इंजन नंबर 2, उससे तो कुछ नहीं पता लग पाएगा कि ऐसा कोई फ्यूल लीकेज का कोई इंसिडेंट था कि नहीं। The indications that were being presented with respect to the oil system would probably not give the crew any indications. They may have questioned what was causing the erroneous or strange indications, but there's nothing certainly in my mind or their training, I think, that would have triggered them to suspect that a fuel system might be involved. Bet you it's a computer problem. लेकिन जबकि पायलट्स ये समझ रहे थे कि कोई कंप्यूटर एरर था, वो जो ऑयल वार्निंग्स मिल रही थी वो बिल्कुल सही मिल रही थी उनको। और यहीं पे पहला इंडिकेशन मिलता है हमें कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दी फ्यूल। फ्यूल इंबैलेंस वार्निंग, हैवंट सीन दैट बिफोर। लेकिन जब तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें फ्यूल इम्बैलेंस अलार्म मिला था कि राइट हैंड साइड वाले इंजन में लेफ्ट हैंड साइड वाले इंजन से कम फ्यूल है, तो इससे भी इंडिकेशन मिल जाना चाहिए था कैप्टन पीछे को कि ये कंप्यूटर एरर जो है काफी ज्यादा हो रही है। अगर वो कंप्यूटर एरर की निगाह से भी देखते तो यहाँ पे भी उनको कुछ ना कुछ अंदेशा हो जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ देर इज सम मिस्टेक या सम मिस्ट्री विद दी फ्यूल। लेकिन इन सब के बावजूद कैप्टन पीछे तो जो थे ही वॉज ऑब्लाइज टू फॉलो दी प्रोसीजर ऑफ दी एयरबस इन दिस सिचुएशन और उन्होंने अपना क्रॉस फीड वाल्व खोलना पड़ा उन्हें, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड वाले टैंक से राइट हैंड साइड वाले टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो सके। लेकिन क्या सिर्फ चेकलिस्ट को फॉलो करना काफी था? Do not apply this procedure if a fuel leak is suspected. You just can't idly flip switches in response to commands from the computers and anticipate that all will be well at the end of it. You know, once the checklist is complete, we can sit there fat, dumb, and happy. That's not the case at all. You know, you
you got to keep second guessing it. You know, is that right? Did we do the right checklist? Have we got the results that we need? और जब उन्होंने अपना फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेट किया था और जब उनको गड़बड़ी दिखाई दी थी, तभी भी उन्हें समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। Transat 236 Heavy declaring fuel emergency. और जब उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया ये बात कि फ्यूल में प्रॉब्लम है, कोई फ्यूल लीकेज है उनके जहाज में, तब तक तो उनके जो ऑप्शंस थे वो काफी कम रह गए थे। They were flying blind, as it were. There was no checklist information provided to them. They assumed that once they had engaged in this procedure that the situation would resolve itself, and it wasn't. Now they had a choice. Do I close the crossfeed and see what happens, or do I leave the crossfeed open as the fuel imbalance checklist has dictated, and maybe the situation will correct itself? The crew wasn't really sure. It wasn't an eventuality. It wasn't a situation that they had been trained for, I'm sure. They were in new ground with really no guidance to help them. If they left the cross feed open, or whether they closed the cross feed, I would only be speculating as to what changes it might have resulted in the outcome in this event. Captain Piche kitni der tak yahi mante rahe ki koi na koi computer error hai. लेकिन जबकि फाइनली उनके दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ फ्यूल स्टार्वेशन, तब उनको मानना ही पड़ा कि उनके जहाज में फ्यूल लीकेज हो रहा था। और जो उनको वार्निंग अलार्म्स आ रहे थे रिगार्डिंग द फ्यूल, वो सब सही थे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक मॉडर्न एयरलाइनर को बहुत ही रिलायबल, बहुत ही सेफ बना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसा कि उस रात एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS-236 के साथ हुआ और इट नियरली ब्रॉट डाउन द एयरलाइन। बस किसी तरह एक बहुत ही मेजर हादसा बच सका। इस प्लेन में एक गलत पुर्जा लगा था जिसकी वजह से कि फ्यूल लीकेज हुआ, और पायलट्स ने, जो कि कंप्यूटर को ट्रस्ट नहीं किया था, उसकी वजह से वो सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से इतना बड़ा कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हुआ। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने बताया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस फ्लाइट को 60 मील्स इसका रूट डाइवर्ट कर दिया था टुवर्ड साउथ, और इसी डाइवर्जन की वजह से वो एजोर्स के करीब थे इस सिचुएशन में। और अगर आप सोचिए कि अगर वो शुरुआत में प्लेन को इतना दूर डाइवर्ट नहीं किया होता, तो हो सकता है अगर ये सिचुएशन राइज होती तब भी, तो शायद पानी में ही प्लेन को डिच करना पड़ता पायलट्स के ऊपर। अगस्त 2002 में दोनों पायलट रॉबर्ट पीछे और डर डिएगो को पायलट एसोसिएशन द्वारा काफी पुरस्कार दिए गए, क्योंकि उन्होंने लॉन्गेस्ट ग्लाइड अकम्प्लिश करी थी इन अ पैसेंजर जेट। इस इंसिडेंट के बाद एयरबस ने भी अपने मॉडिफिकेशन कुछ किया सिस्टम में रिगार्डिंग द फ्यूल, और अब जो है कंप्यूटर ही चेक करके बताता है कि कोई फ्यूल इंबैलेंस तो नहीं है। वो चेक करता है कि कितना फ्लाइट प्लान कितना चला है और कितना फ्यूल रह गया है, उसी हिसाब से वो वार्निंग्स अब देता है पायलट को कि कोई फ्यूल इंबैलेंस का सिचुएशन तो नहीं है। रोल्स रॉयस जिन्होंने इस प्लेन के इंजन बनाए थे, उन्होंने भी एक सर्विस बुलेटिन इशू किया था रिगार्डिंग दो मिलते जुलते पार्ट्स अगर कहीं पे हों तो, उसके बारे में उन्होंने एक सर्विस बुलेटिन जारी किया था। एंड द पैसेंजर्स ऑफ दैट फ्लाइट TS-236 हैव
mixed feelings regarding that incident. दोस्तों इस इंसिडेंट में लकीली कोई भी जान नहीं गई थी। जो 306 लोग सवार थे इस प्लेन में उनमें से 18 को चोटें आई थी जिसमें से 16 तो मामूली चोटें आई थी और 2 जो थे सीरियसली इंजर्ड थे। Alright, I stabilized the speed. This accident wasn't caused by simply one omission by any one individual, as is typical of most aircraft accidents. There's a whole chain of events, a whole series of events that lead to the incident or to the accident, and this accident was no different. Whatever the circumstances are, the pressure that he was under is tremendous. He got that plane down safely, only blew out 8 of the 12 tires, and saved 300 people. He saved 300 people's lives. Captain Pichet saved our lives, and whether or not he made an error, or if there was a failure of a computer, it doesn't really matter because we're alive. Do I think he's a hero? No. Do I think he's a hell of a pilot? Yes. Thank God the islands of the Azores were there and basically saved our lives. But if that fuel pump broke 2-5 minutes beforehand, we would have ended up into the water and I probably wouldn't be here to tell the story. दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज का शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का और शो चल रहा था आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और आज की घटना जो हमने जिस पे चर्चा की थी वो थी 24 अगस्त 2000 एक की घटना जबकि एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS-236 में अचानक ही फ्यूल खत्म हो जाता है जब वो अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी और बड़ी मुश्किल से वो ग्लाइड करते हुए पायलट प्लेन को एजोर्स में उतार पाते हैं रनवे के ऊपर। अगर आपको इस शो के बारे में कोई फीडबैक देना हो तो आप मोस्ट वेलकम है देने के लिए आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे जो कि है bhamri.r@gmail.com यानी कि bhamri.r@gmail.com। अगर आपके पास भी कोई ऐसी दुर्घटना है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि शो में उसको कवर किया जाए तो आप मुझे इस संदर्भ में भी मेल सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। तो दीजिए इजाजत मुझे आज के लिए शुभ रात्रि शपा खैर नमस्कार गुड बाय गॉड ब्लेस।